प्रदेश की सरकार द्वारा प्रियंका गांधी को रोक दिया गया था सोनभद्र जाने से, और सोनभद्र जाने से रोकना खुलेआम लोकतंत्र का अपमान है, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है। जी हां, जहां प्रियंका गांधी हरने पर बैठी हुई थी, तो वहीं आपको बता दें कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस पर गुस्सा फूटा है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोकतंत्र का अपमान है, पीड़ित परिवार से मिलना और संवेदना व्यक्त करना हर जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है, ऐसे में सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है जो कि अत्यंत निंदनीय है। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीते काफी दिनों से ही काफी ज्यादा खबरों में बने हुए हैं पार्टी के नए अध्यक्ष बनने को लेकर, लेकिन इसी बीच पूरे तरीके से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनका गुस्सा नजर आया है। साथ ही उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए प्रियंका की फोटो को शेयर करते हुए यही ट्वीट शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का अपमान है। SBI 9 न्यूज से अजय रिपोर्ट।